माई चैनल. सो माई नेम इज मीनाक्षी. सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू आई शेव माई फेस, बिकॉज मैं बहुत टाइम से अपना फेस शेव कर रही हूँ. आई थिंक 2 या 3 साल हो गए मुझे, और मैंने भी ट्यूटोरियल देख के सीखा है. तो जो लोग सोचते हैं कि शेव करने से बाल बहुत पोकी हो जाते हैं, हार्श या हार्ड हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप देखना मैं कैसे शेव करती हूँ. मैंने भी सारी चीज़ें ट्यूटोरियल देख कर ही सीखी है यूट्यूब में. सो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. और शेव करना बहुत 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 ईजी है. वैक्स तो कभी फेस में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन निकलने का बहुत डर होता है. और मैंने वीडियोज़ देखे जिसमें लोगों की स्किन निकल जाती है और बहुत उनको इरिटेशन इचिंग होती है. बट शेव करना बहुत सेफ ऑप्शन होता है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि मैं कैसे शेव करती हूँ. हे गाइस, सो सबसे पहले हम अपने बालों को टाई कर लेंगे ताकि आपके बालों को परेशान ना करें. फिर आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप. फिर मैं यहाँ पे रेज़र ले रही हूँ, ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी लिंक के साथ. फिर आपको अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है अपवर्ड, बिकॉज अगर आपकी स्किन लूज़ होगी तो आप नहीं शेव कर सकते हो, कट का डर होगा, कट लग भी सकता है इनफैक्ट, बिकॉज मुझे एक दो बार लग चुका है जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था. और शेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी डेड स्किन निकल जाती है और जो भी लेयर्स होती है मेकअप की या स्किन केयर की वो भी निकल जाती है. सो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेव करना. और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यू नो ग्रॉस लग रहा है मेरी, सॉरी आपको देखना पड़ रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री भी लग रहा है देखने में. और मैं अपर लिप्स भी कर लेती हूँ रेज़र से ही, और आप लाइक नोज़ के अराउंड भी कर सकते हो ताकि ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स की जो भी लेयर होगी वो भी निकल आएगी. एग्जैक्टली पूरे तो नहीं आएंगे, बट हाँ थोड़ी बहुत जो भी डर्ट होती है वो निकल आती है. फिर सेम प्रोसेस में राइट साइड में भी यूज़ करूँगी. और आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, स्किन को स्ट्रेच करना है, एंड उसके बाद आपको अपने फेशियल हेयर को निकालना है. और काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर एक बार करना सीख जाते हैं तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, और प्रैक्टिस ही कर सकते हो आप. और लूज स्किन पे मत करना, टाइट स्किन पे ही करना. लाइक लूज स्किन जैसे कि आपकी मदर की या जिनकी ये ज़्यादा हो चुकी है उनके में नहीं करना चाहिए आपको. और मैं अपर लिप्स भी कर लेती हूँ तो मुझे बार बार यू नो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ हो जाता है घर पे. और यार फेस वॉश करने के बाद स्किन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत सॉफ्ट थी. और उसके मैंने प्लम का मॉइस्चराइज़र यहाँ पर यूज़ करा है, सॉरी मिस्ट यूज़ करा है. काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लग रही है, बहुत बहुत सॉफ्ट है. सो आप ज़रूर ये प्रोसेस ट्राई कर सकते हो, और फेस में एक ग्लो भी आ जाता है और बहुत ईजी भी है. सो मैंने यहाँ पे प्लम का मिस्ट स्प्रे करा है अपने फेस पे. ओके, सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स लाइक. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्ट्रेची, बिकॉज अगर आप शेव नहीं करते हो काफ़ी टाइम तक तो बहुत यू नो कड़क सी हो जाती है. सो अभी बहुत सॉफ्ट लग रही है. सो बहुत ईजी शेव करना, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कम्प्लीटली सेफ है. बट आपको शेव कैसे करना है और रेजर कैसे यूज़ करना है ये यूज़ करना आपको आना चाहिए. तो जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया, प्लीज़ एग्जैक्टली वैसा फॉलो करना. और कोई कमेंट अगर लाइक कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करना. एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.